आस्था का पर्व का आज चौथा दिन है। लोग कल शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया, आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए घाट पर पहुंचे। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो घाट है, घाट पे लोग आए हुए हैं सूर्य को अर्घ देंगे। बच्चे बूढ़े सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पे कि अर्घ देंगे। और डूबते हुए सूर्य को कल दिया था और उगते हुए सूर्य को आज देंगे कि हमारा परिवार, हमारे लोग, समाज सारे लोग अच्छे रहे, स्वच्छ रहे। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पे तो लोग जो है, ये 36 घंटे की व्रत है जो लोग यहाँ इसका उपासना करते हैं। उसके बाद फिर लास्ट आज है जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, उसके बाद इस पर्व का समापन होगा। तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि किस तरह से यहाँ पे अर्घ पड़ रहा है, लोग अर्घ दे रहे हैं। अगर शहरों की बात करें तो कहीं छत के ऊपर, कोई तालाब में या गंगा घाटों पे। अगर गांव की बात करें तो गांव में पोखर होती है, वहां पे लोग अर्घ देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग आप देख सकते हैं किस तरह से छठ माता का नारा लग रहा है। आप देखिए किस तरह से सूप सजाया गया है पोखरों पर, ताकि लोग इस चीज़ को, सूर्य भगवान को अर्घ दे करके यहाँ पर समर्पित करें। और आज इस पर्व का समापन होगा। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे आए हुए हैं डाला लेकर के। पोखर है या तालाब है या कृत्रिम तालाब है, उसको बनाया जाता है और वहाँ पे लोग आते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सारे लोग आते हैं। सभी लोग यहाँ के सूर्यदेव जो हैं उनका इंतज़ार करते हैं। आप देख सकते हैं ये लालिमा, अगर सूर्यदेव की बात करें तो यहाँ पे लालिमा आ गई है। लोग अर्घ देना शुरू कर दिए हैं। इंतजार का घड़ी भी खत्म हुआ और लोग अर्घ देने लगे। अर्घ देकर के भागलपुर से श्यामानंद सिंह।